ClO3, ClO3, ClO3 negative, ClO3 negative, ClO3 negative को अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्लोरीन है, सेंटर में क्या है क्लोरीन, बिलोंग किसे करता है हैलोजन से, मींस आउटर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं NS2 NP5, मींस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन, सराउंडिंग एटम क्या है 1 2 3, तीन ऑक्सीजन है जिनमें से एक भी क्या है नेगेटिव चार्ज, दो का नेचर क्या है एक जैसा, मींस 1s2 2p4, मींस आउटर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, मींस अगर p को देखें तो p के अंदर क्या है 2 3 4, मींस दो ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, मींस हर एक ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने अलग अलग ऑर्बिटल में, मींस ये दोनों ऑक्सीजन अपने दो ऑर्बिटल का यूज करेंगे, ओ नेगेटिव मींस ओ नेगेटिव के केस में क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है होने से, मींस एक के पास क्या है सिर्फ एक अनपेयर ऑर्बिटल है, सॉरी अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में, लेकिन इनके पास क्या है दो ऑर्बिटल है जिसमें एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, मींस ये हमारा नेचर है सराउंडिंग एटम का, सेंट्रल एटम के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, मींस क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, पहले हम अगर ओ नेगेटिव को देखें तो इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर हम यहां पे बात करें ये हमारे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन है, मींस ऑक्सीजन के पास एक ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन है, दूसरा जो ऑक्सीजन है मींस उसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या हुआ पहला बॉन्ड हमेशा क्या बनेगा सिग्मा, दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा, इन्हीं के बीच में दूसरा बॉन्ड बन रहा है तो ये क्या हुआ पाई, पहला क्या बनेगा सिग्मा दूसरा क्या बनेगा पाई, बॉन्ड बनाने के बाद सेंट्रल एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन बच गए जो कि क्या होंगे लोन पेयर, तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या बनेगा कि टोटल हमारे पास बॉन्ड कितने बने 1 2 3 और 1 4, हमारे पास टोटल 4 बॉन्ड है, क्या क्या है 2 सिग्मा बॉन्ड, एक दो तीन हमारे पास क्या है सिग्मा बॉन्ड और एक क्या है लोन पेयर, मींस स्टेरिक नंबर कितना हुआ 4 के अकॉर्डिंग क्या होगा 1s और 3p, मींस sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मींस इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या होगा मींस हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या होगी sp3, ज्योमेट्री हमारे पास क्या होगी टेट्राहेड्रल, अब इसके अंदर है क्या कि सेंट्रल एटम हमारा है, सेंट्रल एटम के पास एक क्या है लोन पेयर, मींस एक क्या है लोन पेयर है, दूसरा जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है उस ऑक्सीजन के साथ सेंट्रल एटम ने सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है, लेकिन जो रिमेनिंग दो ऑक्सीजन है उन ऑक्सीजन के साथ सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड दोनों की फॉर्मेशन की है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी शेप और स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या होगा पिरामिडल स्ट्रक्चर होगी, इसके अंदर हमारे पास क्या है लोन पेयर कितने हमारे पास 1 और बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, तो ये इसकी क्या होगी एक्सप्लेनेशन। दूसरा अगर हम बात करें इसके अंदर IF2 नेगेटिव में क्या होगा I मेन सेंटर में कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, सेंटर में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, F2 नेगेटिव है F मींस 1 2 3, तीन फ्लोरीन में से दो पे नेगेटिव चार्ज है, अब नेगेटिव चार्ज है तो मींस इनका ऑक्टेट तो क्या हो गया कंप्लीट, लेकिन इसके पास एक क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसपे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो तो F एज इट इज, अब दो पे नेगेटिव है मींस इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो सेंट्रल एटम क्या करेगा अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल का यूज करेगा बॉन्ड बनाने में, तो ये हमारे पास क्या है F नेगेटिव और F नेगेटिव, तो ये क्या होगा सिग्मा, ये क्या बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब सेंट्रल एटम को देखें तो एक लोन पेयर और एक क्या बना लोन पेयर, तो अगर टोटल काउंट करें तो हमारे पास क्या हुआ 1 2 3, मींस 1 सिग्मा 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड और टोटल क्या है 3 लोन पेयर, तीन इसके अंदर क्या है लोन पेयर, तो इसके अंदर क्या हुआ टोटल कितने हुए हमारे पास 6
6 का मींस क्या हुआ, स्टेरिक नंबर हमारा क्या हुआ 6 हुआ, मींस इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, मींस एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल, मींस sp3 d2। ये हमारे पास क्या बनेगा, sp3 d2 में क्या होगा भाई कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और 3 क्या है, लोन पेयर है। मींस शेप और स्ट्रक्चर की हम बात करें तो क्या होगा कि सेंटर में हमारा क्या है, आयोडीन 1 2 3 लोन पेयर होंगे, 1 2 मींस एक तो हमारा क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और दो क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ओवरऑल चार्ज क्या है 2 नेगेटिव। मींस ये हमारे पास क्या बनेगा, अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास होगा टी शेप्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, टोटल बॉन्ड पेयर हमारे पास 3 है, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं 3, तो ये हमारे पास क्या बनेगा टी शेप्ड इन sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट अगर हम इसी तरह से NO3 नेगेटिव को देखें, NO2 पॉजिटिव को देखें, HCO2 को देखें, तो सभी को हम इसी फार्मूले से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर हम सोल्ट में करें तो हमारे पास क्या है कि मींस नाइट्रोजन, अगर इस केस को देखें हम तो नाइट्रोजन के पास क्या है 1 2 3 4 और 5, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑक्सीजन है, 3 में से एक पे क्या है, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, मींस उसके पास सिर्फ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बच गई 2 ऑक्सीजन, मींस उन ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन है 2 अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन होंगे अलग अलग, तो ये तो क्या बनाएगा सिग्मा, पहला बॉन्ड क्या बनेगा सिग्मा, दूसरा क्या बनेगा पाई, पहला क्या बनेगा सिग्मा, दूसरा क्या बनेगा पाई, तो टोटल क्या हुआ 1 2 3, 3 सिग्मा बने, 3 सिग्मा मींस एक एस ऑर्बिटल और 2 पी ऑर्बिटल, मींस 3 बॉन्ड होने का क्या मतलब हुआ 3 स्टेरिक नंबर है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2, ज्योमेट्री क्या होगी ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर शेप और स्ट्रक्चर को हम देखें तो ये क्या देगा, ये क्या देगा कि सेंट्रल एटम के पास क्या है कि सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के पास एक तो क्या बना, जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है उसके साथ तो सिंगल बॉन्ड बनाया, और जो दूसरी 2 ऑक्सीजन है जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है उनके साथ क्या है सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो इसमें कोई हमारा लोन पेयर नहीं है, तो इसकी शेप भी क्या होगी ट्रायंगुलर प्लेनर, तो इसके अंदर टोटल क्या है 9 लोन पेयर, लोन पेयर हमारे पास क्या है 0 और बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, तो इस तरह से आसानी से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव के अगर हम बात करें नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, अब 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव मींस एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं मींस उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला क्या बनेगा सिग्मा, पहला क्या बना सिग्मा, दूसरा क्या बना पाई, ये क्या रहेगा लोन पेयर, मींस टोटल कितने हुए 1 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड मींस दोबारा से कितना बना 3, मींस स्टेरिक नंबर 3 है तो क्या हुआ एक एस ऑर्बिटल और 2 पी ऑर्बिटल, मींस हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp2, ज्योमेट्री क्या होगी ट्रायंगुलर प्लेनर, अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो क्या है कि सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है, एक क्या है लोन पेयर, जिस ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं उसके साथ सिग्मा और पाई, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके साथ सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड, तो इसकी क्या बनेगी स्ट्रक्चर, मीन स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, स्ट्रक्चर के अंदर क्या है भाई, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी वीसेप्ड और बेंड, वीसेप्ड और बेंड। दूसरा अगर इसमें देखें तो क्या है बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने हैं, बॉन्ड पेयर है 2 और लोन पेयर कितने हैं 1, तो इस तरह से आसानी से हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरे अगर एग्जाम्पल आप करना चाहें तो हम इनको कर सकते हैं, इनको आप इजीली कर सकते हो, जैसे कि HCO2F4 है, BrF नेगेटिव है, HCOF3 नेगेटिव है, या ClO4 नेगेटिव है, इनमें से हम कोई एक और कर लेते हैं, जैसे कि हम ये कर लेते हैं HCOF3 नेगेटिव, मींस सेंट्रल एटम के पास कितने 1 2 3 4 5 6 7 8
सराउंडिंग में क्या है, एक ऑक्सीजन है, मींस एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तीन फ्लोरीन है, तीन फ्लोरीन में से एक दो तीन, तीन फ्लोरीन में से एक पे नेगेटिव चार्ज है, दो पे कोई चार्ज नहीं है, मींस वन टू फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास एक जिस पे नेगेटिव चार्ज है, मींस सेंट्रल एटम को अपना वैकेंट डी ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा, एफ नेगेटिव के ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज है, मींस इनके बीच में क्या बनेगा, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड क्या बनेगा पाई, पहला बॉन्ड सिग्मा, और यहाँ पे क्या बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पे सेंट्रल एटम के पास क्या रह गए एक लोन पेयर, और दूसरा ये भी क्या रहा एक लोन पेयर, अगर टोटल काउंट करें तो ये क्या है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मींस एक दो तीन थ्री बॉन्ड पेयर प्लस वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्लस में टू लोन पेयर, ये हमारे पास बना। अगर इसको हम देखें तो ये हमारे पास क्या हुआ स्टेरिक नंबर, यहां से क्या निकलेगा वन थ्री फोर, फोर टू सिक्स, टोटल सिक्स हुआ, मींस एक एस ऑर्बिटल, तीन पी ऑर्बिटल और दो डी ऑर्बिटल, तो क्या बनेगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी हमारे पास sp3d2, ज्योमेट्री क्या होगी ऑक्टाइडल, ऑक्टाइडल हमारे पास क्या होगी इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाइडल, ज्योमेट्री के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास दो लोन पेयर है, अगर दो लोन पेयर है तो क्या होगा कि मींस सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के साथ में ऑक्सीजन क्या बना रही है, सेंट्रल एटम के साथ में ऑक्सीजन ने बनाया डबल बॉन्ड, एक क्या होगा लोन पेयर, ये दूसरा हमारा क्या है लोन पेयर, एक फ्लोरीन क्या बना रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और साथ में दो क्या है दो सिंपल हमारे क्या है फ्लोरीन, तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं शो कर सकते हैं, और इसके ओवरऑल से चार्ज कितना है नेगेटिव चार्ज, तो इसमें हमारे क्या है इसके अंदर हमारे क्या है दो लोन पेयर है, सॉरी दो लोन पेयर है, तो इनको हम एक दूसरे के 180 एंगल पे रखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा। अगर इसके हम शेप की बात करें, शेप की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर प्लेनर, ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर प्लेनर, जिसमें चार तो हमारे पास बॉन्ड पेयर है और टोटल लोन पेयर सॉरी सिग्मा बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड इंक्लूडेड इन बॉन्ड पेयर एंड दो हमारे पास क्या है लोन पेयर, तो इस तरह से हम इनको क्या कर सकते हैं इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ अदर प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारा गिवन मॉलिक्यूल, अगर ऐसे ही मॉलिक्यूल्स अगर हमें सोलिड स्टेट के अंदर गिवन है तो उनको हम कैसे एक्सप्लेन करें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है Fe(F6) इन सोलिड स्टेट, Fe(F6) इन सोलिड स्टेट, दूसरा अगर हमारे पास N5 पॉजिटिव कि ये हमारे पास इसकी ज्योमेट्री क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, पहले अगर हम बात करें Fe(F6) इन सोलिड स्टेट के अंदर इसकी ज्योमेट्री क्या होगी या फिर इसकी स्ट्रक्चर या शेप क्या होगी, अगर Fe(F6) सोलिड स्टेट में है तो ये एग्जिस्ट करता है एज ए Fe(F5) नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव के फॉर्म में, एज Fe(F5) पॉजिटिव और एफ नेगेटिव के फॉर्म में, तो अगर इसके अंदर हम देखें तो हमारे पास क्या है Fe(F5) पॉजिटिव है, मींस सेंट्रल एटम के पास क्या है Fe मींस 1 2 3 4 5 6 7 8, मींस इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है एक, 5 फ्लोरीन है मींस 1 2 3 4, चार फ्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है लेकिन एक फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मींस उसका एक ऑर्बिटल क्या है वैकेंट है, तो मींस 1 2 3 4, चार तो क्या बने हमारे सिग्मा बॉन्ड, और सेंट्रल मेटल एटम अपने दो इलेक्ट्रॉन को, सेंट्रल एटम अपने दो इलेक्ट्रॉन को एज ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में यूज करेगा और इन दो इलेक्ट्रॉन का क्या बनेगा एक लोन पेयर, तो ये हमारे पास टोटल क्या होगा 4, तो क्या हुए सिग्मा बॉन्ड, एक क्या बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक हमारे पास क्या है लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर हमारे पास क्या हुआ 6 होगा, तो क्या हुआ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी हमारे पास, मीन 6 में क्या है एक एस 3p और 2d ऑर्बिटल, तो ये हमें क्या देगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन
जिसमें हमारे पास क्या है, एक लोन पेयर है, मींस सेंटर में क्या है जीनोन, एक क्या है लोन पेयर, और फोर क्या है मींस एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और फोर क्या है हमारे पास बॉन्ड पेयर है, तो ये हमारे पास बनेगा बनेगा, तो ये क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन हो गई। ज्योमेट्री क्या होगी भाई, ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल, शेप के अंदर क्या है एक लोन पेयर है, तो ये क्या बनेगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल है क्या इसमें फाइव, तो हमारे पास क्या है बॉन्ड पेयर और एक क्या है लोन पेयर, तो ये हमारी क्या हो जाएगी FCF6 इन सॉलिड स्टेट, हमारे पास क्या होगा FCF6 इन सॉलिड स्टेट में क्या होगा sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड और क्या होगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एंड स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर विद फाइव बॉन्ड पेयर एंड वन लोन पेयर इन सॉलिड स्टेट, ये हमारे पास क्या बनेगा sp3d2। दूसरा एग्जांपल हम लेके चलते हैं N5 पॉजिटिव, N5 पॉजिटिव की स्ट्रक्चर क्या होगी भाई, इसको देखें तो ये एग्जिस्ट करता है एज N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव N नेगेटिव N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव N ट्रिपल फाइव एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में। अगर इसको अगर हम देखें तो हमारा सेंट्रल एटम क्या है नाइट्रोजन है, सेंट्रल एटम अगर नाइट्रोजन को हम देखें तो सेंट्रल एटम के पास दो बॉन्ड पेयर है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, मींस इसके पास टू पेयर ऑफ लोन पेयर है और इस पे क्या है नेगेटिव चार्ज, तो अगर इसके अंदर देखें तो क्या हुआ सिग्मा सिग्मा एक दो, दो क्या है लोन पेयर, मींस दो लोन पेयर और दो क्या है दो क्या है बॉन्ड पेयर, तो टोटल कितना हुआ फोर, फोर स्टेरिक नंबर है, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3 हमारे पास क्या है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राइडल, ज्योमेट्री टेट्राइडल है, शेप के अंदर क्या होगा शेप के अंदर क्या होगा भाई कि दो लोन पेयर है, तो क्या बनेगा कि नाइट्रोजन लोन पेयर, लोन पेयर नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ओवरऑल क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें क्या हुआ दो लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है, तो शेप क्या होगी इसकी एंगुलर, एंगुलर बेंट और वी शेप्ड, जिसमें क्या है दो लोन पेयर है और दो क्या है बॉन्ड पेयर, तो इस तरह से हम इनको क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। दूसरे और एग्जांपल्स की ओर अगर हम चले तो हमारे पास है दूसरा, हमारे पास अगर हम ऐसे सॉलिड स्टेट में अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास एक है PCl5 और दूसरा हमारे पास है PBr5। PCl5 इन सॉलिड स्टेट और PBr5 इन सॉलिड स्टेट, अगर हम PCl5 की बात करें तो PCl5 एग्जिस्ट करता है एज ए PCl6 नेगेटिव और PCl4 पॉजिटिव, PCl4 पॉजिटिव हमारे पास होगा अगर इनके बारे में हम बात करें PCl4 पॉजिटिव, हम इनको ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम इनके हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री को कैसे निकालेंगे, तो हम इनके बारे में डायरेक्ट इनके बारे में बात करें तो ये हमारे पास क्या होगा PCl6 है, PCl4 पॉजिटिव होगा हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड और ज्योमेट्री होगी इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, कोई लोन पेयर नहीं है, मींस एज वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, मींस ये हमारे पास बनेगा टेट्राहेड्रल, तो इसकी शेप भी क्या होगी टेट्राहेड्रल होगी, सारे के सारे क्या है फोर बॉन्ड पेयर और जीरो लोन पेयर। अगर PCl6 की बात करें PCl6 नेगेटिव के, तो PCl6 नेगेटिव हमारे पास बनाएगा इसमें बनाएगा सिक्स टोटल बॉन्ड बनेंगे हमारे पास सिक्स, जिसमें से क्या हुआ एक एस ऑर्बिटल तीन पी ऑर्बिटल और दो डी ऑर्बिटल, सो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3d2 हमारी क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री क्या होगी फास्फोरस
वैसे एक क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो सीएल के साथ क्या बनाएगा, सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और बाकी के सिंपल क्या होंगे हमारे पास, कोवलेंट बॉन्ड ऑक्टाइडल ज्योमेट्री में। तो ये हमारे पास क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी भाई, ज्योमेट्री बनेगी हमारे पास ऑक्टाइडल, शेप या स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगी, वो भी हमारी क्या होगी ऑक्टाइडल, क्योंकि इसके अंदर कोई भी लोन पेयर नहीं है। सो PCl5 सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है, एज PCl4 इन फॉर्म ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल, और PCl6 नेगेटिव कैसे एग्जिस्ट करता है, sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन हैविंग ऑक्टाइडल ज्योमेट्री एंड ऑक्टाइडल शेप। अगर PBr2 के बारे में बात करें, अगर हम PBr5 के बारे में बात करें, तो ये हमारा प्रेजेंट होता है एज ए PR4 पॉजिटिव और BR नेगेटिव, सेम जैसे हमने लास्ट में PCl4 पॉजिटिव को डिस्कस किया, सिमिलरली हम डिस्कस कर सकते हैं PBr पॉजिटिव को। ये भी क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड शेप विद फोर बॉन्ड पेयर एंड जीरो लोन पेयर, एज वी ड्रा फास्फोरस बी आर एज पॉजिटिवली चार्ज्ड। दूसरा अगर हम इसके बारे में बात करें, Cl2O6 and N2O3 in solid state अगर इन दोनों को हम बात करें सोलिड स्टेट के बारे में, तो जो Cl2O6 है अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करें, तो ये HClO4 और HClO3 दो प्रकार के एसिड्स की फॉर्म में हमें फॉर्म करता है। ये सॉलिड स्टेट के अंदर अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, तो ये प्रेजेंट होता है Cl ऑक्सीजन, Cl डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक इसके पास लोन पेयर है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इस फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर हम Cl2O6 को अगर हम हाइड्रोलाइज करवाएं, तो हाइड्रोलिसिस करने पे ये हमें HClO4 और HClO3 मींस टू टाइप ऑफ एसिड के फॉर्म में ये फॉर्म होता है। अगर यहां से हम बॉन्ड की ब्रेकिंग करवाएं, तो ये हमें देता है ClO4 नेगेटिव और ClO2 पॉजिटिव, ClO4 नेगेटिव और ClO4 नेगेटिव और ClO2 पॉजिटिव, ये इस फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है सॉलिड स्टेट में, इसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है सॉलिड फॉर्म में। अगर सॉलिड फॉर्म में देखें, तो हमें क्या देगा, ClO4 नेगेटिव और ClO4 पॉजिटिव। अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो क्लोरीन के साथ क्या है, फोर ऑक्सीजन है, फोर में से तीन ऑक्सीजन तो क्या करेंगे इसके साथ इस फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगी। एज अगर स्ट्रक्चर में दिखाएं, तो Cl एक ऑक्सीजन जिसपे नेगेटिव है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, जो दो तीन ऑक्सीजन बच गई वो क्या होंगी डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो ये इस फॉर्म में क्या हुआ, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के साथ में sp3 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर दोनों क्या होंगे इसके सेम होंगे, स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री दोनों सेम है, फोर क्या है बॉन्ड पेयर और जीरो क्या है लोन पेयर। अगर ClO2 पॉजिटिव की बात करें, ClO2 पॉजिटिव के अंदर हम बात करें, तो सेंट्रल मेटल एटम के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सेवन इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास, दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन में से एक पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है। अगर एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या हुआ, एक ऑक्सीजन जिसके पास कोई चार्ज नहीं है वो उसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास क्या है एक इलेक्ट्रॉन है।
अब इस केस में अगर हम देखें, एक ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और जिसके पास कोई चार्ज नहीं उस पे दो इलेक्ट्रॉन है, मींस पहला क्या बनेगा सिग्मा, दूसरा क्या बनेगा पाई, और पहला क्या बनेगा सिग्मा, और दो क्या रहेंगे लोन पेयर, मींस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर क्या होगा एक लोन पेयर, एक क्या हुआ लोन पेयर, मींस दो क्या हुए लोन पेयर, एक दो क्या हुए सिग्मा बॉन्ड, और एक क्या हुआ पाई बॉन्ड, तो टोटल क्या बनेंगे दो सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा और दो क्या होंगे लोन पेयर, दो सिग्मा और दो लोन पेयर, फिर से क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप क्या होगी दो लोन पेयर होने की वजह से शेप हो जाएगी वी शेप या फिर बैंड, वी शेप या फिर क्या होगा बैंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके अंदर अगर हम बात करें N2O3 की, N2O3 इन सॉलिड स्टेट, N2O3 अगर N2O3 की बात करें तो N2O3 सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है एज ए NO पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव, इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। NO2 पॉजिटिव है, ये हमारे पास होता है sp हाइब्रिडाइज्ड, और NO2 नेगेटिव को हम अभी डिस्कस किया है, ये होता है sp2, sp मींस लीनियर, sp2 मींस ट्रायंगुलर प्लेनर, O2 नेगेटिव है मींस वन लोन पेयर है, एक ऑक्सीजन डबल बोन, और एक ये ओवरऑल क्या है नेगेटिव चार्ज। यहां पे इसके अंदर क्या होता है लीनियर है, मींस दोनों के बीच में क्या होता है नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक लोन पेयर नाइट्रोजन पे एक ऑक्सीजन पे, ओवरऑल क्या है पॉजिटिव चार्ज। इस केस में क्या होगा अगर TPP के अंदर देखें तो ये तो लीनियर हो गया, sp2 हो गया, स्ट्रक्चर ज्योमेट्री दोनों लीनियर हो गई। अगर NO2 के देख रहे हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई sp2, ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल, एक क्या है लोन पेयर, तो शेप क्या होगी, शेप क्या होगी वी शेप और बैंड, क्या होगा ये वी शेप या बैंड, ये क्या होगी इसकी ज्योमेट्री होगी। तो N2O3 सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है एज ए NO पॉजिटिव और N2 नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, पहला है हमारे पास CH5+, दूसरा है CH6++, ये दो हमारे पास हम देखना चाहते हैं कि इनकी ज्योमेट्री क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है और शेप क्या है। इनको डिस्कस करने से पहले हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हम बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की और हाइब्रिड ऑर्बिटल की। एटॉमिक ऑर्बिटल, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, और दूसरा हमारे पास है हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी एंड सिमेट्री, या फिर अगर हम बात करें सिमेट्री, दोनों क्या होती हैं सेम, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल की दोनों क्या होती हैं डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इनको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं जो हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा हुआ है, B2H6। B2H6 के अंदर क्या होता है डाइमर होता है किसका BH3 का, डाइमर ऑफ BH3 है। इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट क्या होता है BH3 के अंदर कि बोरोन, बोरोन के साथ में क्या है एक हमारे साथ इसके अंदर क्या है एक बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन के साथ, दूसरा बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन के पास साथ, एक हमारे पास क्या है BH3 के अंदर कि एक बोरोन के पास 2s2 और 2p1 मींस पी ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको हम प्रमोट करेंगे तो दूसरे पी में क्या होगा 2s1 2p1 2p1 मींस xy हम इनको बोल सकते हैं, ऑर्बिटल में क्या है प्रेजेंट है, मींस दो तो इन्होंने बॉन्ड बना लिए, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है जबकि दूसरे का ऑर्बिटल क्या है खाली है। दूसरे का अगर हम केस लेके चलते हैं बोरोन, तो एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, और दूसरे के पास भी क्या है सेम केस में एक इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल क्या है खाली है। अब इस केस में हमारे पास दो क्या है
एक हाइड्रोजन और दूसरा फिर से क्या है हाइड्रोजन। इस केस में हमारे पास क्या है कि तीन ऑर्बिटल है, टोटल हमारे पास क्या है तीन ऑर्बिटल है, एक दो तीन ऑर्बिटल तीन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं दो। तो यहां पे हमारा क्या होता है, देखिए अगर हम इनकी बात करें तो ये फिल्ड ऑर्बिटल है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, और ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे हमारे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है एज ए बी एच और बी। ये बॉन्ड बनने के बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के पास भी है, इस बोरोन के पास भी है और इसके पास भी है, और ये क्या करते हैं तीनों थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्या है हाइड्रोजन और ये दो बॉन्ड बन गए। तो इस तरह से यहां पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, अगर हम यहां पे बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या है हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो, हम इनको बनाना बॉन्ड बोलते हैं, मींस थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हमारे पास क्या है इसमें प्रेजेंट है। तो हम इसी के बेसिस पे हम एक्सप्लेन करेंगे CH5 पॉजिटिव और CH6 डबल पॉजिटिव को। तो अगर इसको हम देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास हम पहले बात करते हैं किसके बारे में CH5 पॉजिटिव के बारे में। अगर CH5 पॉजिटिव को देखें तो इसमें हमारा क्या है कार्बन, कार्बन के पास क्या भाई 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल। आफ्टर एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन क्या है कि 2s टू 2p वन इलेक्ट्रॉन आफ्टर एक्साइटेशन प्रेजेंट इन फॉर्म, देयर इज नो वैकेंट d ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन केस ऑफ सेकंड सेल 5 हाइड्रोजन, आउट ऑफ 5 हाइड्रोजन 1 2 3 हाइड्रोजन आर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बाय sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस केस sp2 हाइब्रिडाइजेशन, आफ्टर sp2 हाइब्रिडाइजेशन मींस वन s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल कंबाइंड विद ईच अदर ऑफ नियरली सेम एनर्जी टू फॉर्म न्यू काइंड ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, न्यू काइंड ऑफ ऑर्बिटल्स व्हिच कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मींस दिस ऑर्बिटल इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस ऑर्बिटल इज आल्सो एंड दिस ऑर्बिटल इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, बट ये जो ऑर्बिटल बच गया, ये जो ऑर्बिटल बच गया जिसमें कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का प्योर पी ऑर्बिटल है, ना कि हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कार्बन का पी ऑर्बिटल है, कार्बन का प्योर पी ऑर्बिटल है। और हमारे पास दो क्या है, एक हाइड्रोजन है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक दूसरा हाइड्रोजन है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसमें है हाइड्रोजन में है। यहां पे हमारे पास क्या बना sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर इसको हम दिखाएं तो क्या होगा कि कार्बन एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन और तीन हाइड्रोजन, क्योंकि हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 है। तो इसके बेसिस पे ये क्या हुआ भाई sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो प्योर पी ऑर्बिटल है, कार्बन का मीन्स एक प्योर पी ऑर्बिटल विच इज परपेंडिकुलर टू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, मीन्स कार्बन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है, एक इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड सॉरी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है और एक एच पॉजिटिव है। जो एच पॉजिटिव है वो हाइड्रोजन के उस लोब के साथ है जिस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो कार्बन के उस प्योर पी ऑर्बिटल के लोब के पास है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, और जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसके साथ में प्रेजेंट है हमारा वो हाइड्रोजन जिसपे क्या है एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसके अंदर देखें तो क्या है कि 1 2 3 हमारे पास तीन सेंटर है, मींस थ्री सेंटर, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 मींस 2 इलेक्ट्रॉन। सो यहां पे क्या हुई कि एक हमारे पास बॉन्ड थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना, थ्री सेंटर
टू इलेक्ट्रॉन बोन्ड बना जिसकी हेल्प से हमें क्या मिलता है CH5 पॉजिटिव। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये हमें क्या मिला, इसके अंदर देखें तो हमारे पास क्या क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है SP2। अगर SP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री हमारी क्या होती है, ज्योमेट्री हमारी क्या है यहां पे ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर हमारी क्या है प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर हमारी ज्योमेट्री है। शेप की अगर हम बात करें तो शेप हमारी है ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, क्योंकि यहां पे तीन इक्वेटोरियल पोजीशन पे और दो इसके क्या है परपेंडिकुलर बोन है, तो इसकी शेप क्या होगी ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। तो ये हमारा क्या है CH5 पॉजिटिव। दूसरा अगर हम बात करें CH6 डबल पॉजिटिव के, कार्बन 1 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर एस एंड पी सबसेल इन एक्साइटेड स्टेट, इन केस वी हैव टोटल 6 हाइड्रोजन, फर्स्ट आउट ऑफ दिस 2 हाइड्रोजन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ SP हाइब्रिडाइजेशन, 2 सिग्मा मींस S एंड 1P मींस गिव SP हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस केस SP हाइब्रिडाइजेशन मींस एक कार्बन का एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड करके नए ऑर्बिटल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी और सिमेट्री क्या है सेम। मींस ये जो ऑर्बिटल है ये भी SP हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला जो ऑर्बिटल है ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल दोनों SP हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, लेकिन ये जो दो ऑर्बिटल हैं ये कार्बन के प्योर पी ऑर्बिटल्स हैं। तो अगर हम इसको दिखाएं तो क्या होगा कि कार्बन एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन एज क्या होंगे एन लीनियर फॉर्म। तो कार्बन के पास दो क्या बचे, दो ऑर्बिटल बचे अपने प्योर ऑर्बिटल जिनमें क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब बचे क्या 4 हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के पास तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो दो हाइड्रोजन है उनके पास क्या है पॉजिटिव चार्ज, मींस उनके वैलेंस शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जो दो ऑर्बिटल है ये कार्बन के उन ऑर्बिटल के साथ प्रेजेंट है जिनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कार्बन के उन लोब्स के, कार्बन के प्योर ऑर्बिटल्स के उन लोब्स के साथ है जिनके ऊपर क्या है पहले से एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि अगर हम इसको देखें, अगर इनको देखें तो इसमें क्या है कि 1, 1, 2 और 3 मींस 1, 1, 1, 2, 3 मींस हमारे पास इसमें क्या बने दो बॉन्ड बने एज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के हमारे पास टोटल कितने हैं दो बॉन्ड है इसमें। तो अगर इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है हमारी SP, अगर SP हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगी लीनियर, तो इसकी ज्योमेट्री क्या है लीनियर। लेकिन अगर हम इसकी शेप और स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये हमारा क्या है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल विद 2, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो ये हमारे पास क्या बनेगा ऑक्टाहेड्रल बनेगा। सो हमारे पास क्या है CH5 2 तो क्या है SP2 हाइब्रिडाइज्ड और CH6 डबल पॉजिटिव क्या है SP हाइब्रिडाइज्ड, SP हाइब्रिडाइज्ड। सो इस लेक्चर में हमने डिफरेंट काइंड ऑफ ज्योमेट्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर स्ट्रक्चर्स के बारे में बात किया, मॉलिक्यूल्स के बारे में
हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अबाउट लिमिटेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी. थैंक यू, गुड डे.